प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ बेटर लाइफ। सरप्राइज होंगे कि आज मैं जल्दी हूँ। थर्सडे को मेरी एक मास्टरमाइंड क्लास होती है मेरे मेंटोर के साथ, डॉक्टर अजय शेष के साथ। तो इसलिए जो है मुझे थर्सडे को जो है जल्दी आना पड़ता है। दोस्तों, आज जिस गाइडिंग प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे हैं उसका आज लास्ट एपिसोड है। उसके बाद हम कुछ और टॉपिक्स लेंगे, कुछ और ह्यूमन डायमेंशन की बात करेंगे, कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करेंगे, कुछ बिजनेस की बात करेंगे, कुछ और जो इमोशनल डायमेंशन है उसकी भी बात करेंगे। ऐसे ही हम टॉपिक जो है वो लेते रहेंगे। लेकिन आज जो है दो कोटेशन और जो मैं गाइडिंग प्रिंसिपल, जो दो गाइडिंग प्रिंसिपल्स उनके बारे में बात करूंगा, कैसे वो हमारे लाइफ को बेटर बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्लैश हो रहा है, ये मैं हर संडे को 5 बजे से 6 बजे एक बिजनेस क्लास रखता हूँ। और वो जो सारे बिजनेस के गुर जो मैंने मेरे मेंटोर बुक से और कुछ और टीचिंग जो है सोर्सेज है उनसे सीख कर उनको अपने बिजनेस में अपनाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फोटो कार्ड बिजनेस की। और वो न केवल मेरे बिजनेस को बड़ा करने में मेरी मदद कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सारे गुर जो है मैं आपको शेयर करूँ, जिससे कि आप भी अपने बिजनेस को जिस प्रकार का भी आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग का या जो भी आप प्रोफेशन में है, आपको डेफिनेटली वो सारे जो गुर है वो आपको एक क्लैरिटी देंगे और आपको मदद करेंगे आपके बिजनेस को बढ़ाने में। तो आप डेफिनेटली मुझसे जुड़िए, ये बिल्कुल फ्री है ये बिजनेस क्लास, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। और ये जूम मीटिंग के जरिए हम करते हैं, एक मीटिंग पिछले संडे को हुई है, अब ये नेक्स्ट संडे को मीटिंग है 16 तारीख को। और उसका जो टॉपिक है वो रहेगा, जाने अपने बिजनेस की स्टेज, कि आप किस स्टेज पर हैं और कैसे आप इस बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं। तो ये टॉपिक रहेगा। आप इसके लिए आप जो नंबर फ्लैश हो रहा है 8619811757, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं यहाँ पर लिंक भी दी हुई है व्हाट्सएप ग्रुप की, जहां पर कि न केवल आपको ये जूम मीटिंग की लिंक दी जाएगी, इसके अलावा आपको जो मैं डेली जो ये लाइव स्ट्रीम वीडियो बना रहा हूँ इन वीडियो की लिंक भी शेयर की जाती है, जिन्हें हम रिप्ले कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार को इन वीडियोज को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी अपने पर्सनल और बिजनेस लाइफ में ग्रो करने में मदद मिले। तो चलिए दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूं और मैं पहुंचता हूं अपने टॉपिक पर। और आज जिन कोटेशन की हम बात करेंगे, जिन गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, मैं उस पर चलता हूं। तो दोस्तों, आज दो कोटेशन जिनकी मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट है, सेट योर हैप्पीनेस इंडेक्स फर्स्ट ऑन गोल एंड गिविंग एंड सेकेंडरी ऑन पीपल एंड रिसीविंग, एंड अनदर वन इज हाउ कैन आई हैव बोथ। तो ये दोनों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम फर्स्ट उस पर, सेट योर हैप्पीनेस इंडेक्स फर्स्ट ऑन गोल एंड गिविंग एंड सेकेंडली ऑन पीपल एंड रिसीविंग। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, इसको आप एक तरह से यार्ड स्टिक मानिए अपने हैप्पीनेस का। एक तो आपको हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है ना, वो माना कि वो 0 to 10 है, तो आपको अपना हैप्पीनेस इंडेक्स जो है टॉप रखना है, 10 पर रखना है ना। आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बीच में नहीं होना चाहिए, 2 या 4 पर नहीं होना चाहिए, 5 पर नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल टॉप पर रहना चाहिए, 10 पर। अब आपको देखना है कि आप वो जो हैप्पीनेस आप जो महसूस करना चाहते हैं, वो हैप्पीनेस का लेवल जो 10 पर करना चाहते हैं, वो आपको कैसे मिले, ये आपको देखना है। तो ये पाया गया है कि हैप्पीनेस कभी भी मॉनेटरी टर्म्स में नहीं मिलता, कि भाई आपको इतना पैसा मिल गया, आप इतना करोड़ मिल गया, आपको इतना अरब मिल गया, खरब मिल गया, उससे कभी हैप्पीनेस का यार्डस्टिक आपका जो बढ़ेगा नहीं, आपका हैप्पीनेस का स्केल जो है ना, वो कभी जो है उससे अप नहीं होगा। वो किससे अप होगा? कि जो भी गोल आपने जिंदगी में डिसाइड किए हुए हैं, उन गोल को जब आप अचीव करते हैं। तो देखिए, अब हैप्पीनेस के इंडेक्स को आपको हमेशा जो है अप रखना है ना, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको अपने गोल भी है ना, वो छोटे छोटे गोल डिसाइड करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि आप एक साथ ही जो है एक बड़ा गोल, आपने अनरियलिस्टिक गोल तो बिल्कुल ही नहीं करना है आपको।
आपको रियलिस्टिक गोल पर चलना पड़ेगा। दूसरा गिविंग, गिविंग का मतलब है आप हेल्प करें, आप कंट्रीब्यूट करें, आप कुछ दें अपने समाज को, देन ओनली आपको हैप्पीनेस आ सकती है। आप जो भी पैसा आ रहा है, जो भी आपको वेल्थ क्रिएट हो रही है, अगर उसके बदले में आपने कोई वैल्यू नहीं दी समाज को, कोई आपने समाज को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो आप कभी भी हैप्पी नहीं हो सकते। जो लोगों की जिंदगी में आप जो खुशियां लाते हैं, लोगों की जिंदगी में जो स्माइल लाते हैं ना, वो आपके खुद की लाइफ में स्माइल जो है हमेशा ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में स्माइल दे देगी। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ या मुझे आती है, ये सबको पता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं जब आपसे शेयर करता हूँ तो मुझे लगता है मेरा जो बिलीफ है वो मेरा स्ट्रांग हो जाता है। ये मेरा एक स्वार्थ मान सकते हैं आप, ये मेरा खुद का सेल्फिशनेस है ये मेरी खुद की, कि मैं जब इनको शेयर करता हूँ चीजों को, तो मेरा जो खुद का बिलीफ है इन बातों पर वो स्ट्रांग हो जाता है। और डेफिनेटली आपको भी एक क्लैरिटी लगती है कि हाँ यार बात तो सही है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो सिर्फ एक क्लैरिटी देने वाली बात है, बात ऐसी नहीं है कि कोई मैं कोई बहुत अलग ही कुछ दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो अपना प्रायोरिटी गोल एंड गिविंग पर रखना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोगों पर और उनके रिसीविंग पर, मतलब उनसे लेने के उस पर हमारा अपना फोकस रहे। तो लोगों पर फोकस नहीं करके हमको गोल पर फोकस करना है। क्या ये दुनिया कहेगी, क्या ये समाज कहेगा, उसको न सोच के आपको अपना गोल, ऐसा गोल जो आपको आपके फुलफिलमेंट के लिए, आपके लाइफ के पर्पज के लिए आपको जो है जरूरी है, उन गोल को आप डिसाइड करिए जो कि आपके पर्सनल और आपकी बिजनेस लाइफ को सक्सेसफुल बनाए। इरेस्पेक्टिव ऑफ कि भाई पीपल क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के कहने पर आप बिल्कुल ही ध्यान नहीं दें, लेकिन वो आपको खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि जो भी आप गोल सोच रहे हैं, जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं, वो आपको फुलफिलमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है ना, ये आपको सोचना होगा। और रिसीविंग पर आपको अटेंशन नहीं देना है, आपको गिविंग पर अटेंशन देना है। देखिए आप कंट्रीब्यूट करेंगे ना, जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी बड़े बिलियनियर हैं, उनको आप देखिए, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी और सक्सेस उनके पीछे खिंची चली आई, क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी। जितना लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आप कंट्रीब्यूट करते हैं, उतना ही आपको आप वेल्थ और जो सक्सेस है वो आपको मिलती चली जाएगी। आपको लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी का सोचना है, थिंक बिग, बड़ा सोचना है। देखिए जैसे फोटो कार्टर है, फोटो कार्टर ने हमेशा लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी का सोचा। अनऑर्गेनाइज रिटेल सेगमेंट जो कि इंडिया का कितना बड़ा सेगमेंट है, आज 90% जो है वो अनऑर्गेनाइज रिटेल सेगमेंट है आज भी। यानी कि जितना भी कोई प्रोडक्ट सेलिंग का काम हो रहा है, चाहे वो छोटी दुकान है या बड़ी दुकान है, वो 90% जो है वो अनऑर्गेनाइज रिटेल सेगमेंट में आता है। तो हमने वो सेगमेंट लिया है, कितना लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी का लिया है। तो कहने का मतलब है, और दूसरे आप देखिए कि हर कोई जो है ना, हर किसी की फैमिली में एक ना एक जो है वो प्रोडक्ट सेलिंग का किसी प्रकार के बिजनेस का काम करता है। तो हमने उस तरह का वो लिया कि हम उनको कंट्रीब्यूट कर सके, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा बदलाव ला सके, उनको कुछ एक वैल्यू दे सके जिससे कि उनकी लाइफ ईजी हो जाए, उनकी बिजनेस लाइफ इजी हो जाए, उनकी बिजनेस लाइफ इजी हो जाए, उनको ऐसा टूल्स प्रोवाइड करें। तो ये ऐसा गोल हमें लेके चलना पड़ता है। देन गिविंग, अब हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इवन अभी तो फोटो कार्ड जो है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, विदाउट टेकिंग एनी कमीशन। क्यों? हम वैल्यू एड करना चाहते हैं। डेफिनेटली हमें मालूम है कि एक बार जब वो वैल्यू उनके लाइफ में लगेगा कि हाँ उनको वैल्यू मिली है, तो वो हमारे जो पेड फीचर्स हैं इसके उनको भी बोलेंगे, है ना। लेकिन पहले उनको लगना तो चाहिए कि भाई उनका बिजनेस इससे बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये कंसेप्ट है जो कि हर जगह काम आता है, आपके भी बिजनेस में यही कंसेप्ट काम आएगा कि आप ये सोचिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आप अपने बिजनेस के द्वारा, अपने खुद के कर्मों के द्वारा आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सोसाइटी, ये हमको देखना होगा। फिर चलते हैं हम, गोल जो है वो वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, है ना, जो मैं आपको पहले कहा, वैल्यू बेस्ड होना चाहिए। यानी कि वो आपकी वैल्यूज, अब वैल्यूज क्या हो सकती है आपकी, ऑनर, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, है ना, ये आपकी वैल्यू हो सकती है। फैमिली आपकी वैल्यू हो सकती है, टाइम आपकी वैल्यू हो सकती है, फ्रीडम आपकी वैल्यू हो सकती है, मनी आपकी वैल्यू हो सकती है, सक्सेस आपकी वैल्यू हो सकती है, है ना, आपका डोनेशन, चैरिटी, फेम, रिकॉग्निशन, ये सब वैल्यू है। तो इन वैल्यू को आपको देखना है कि जो भी आप गोल है वो आपकी वैल्यू को क्रिएट कर, वैल्यू को आपका फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एक पर्पजफुल और मीनिंगफुल अगर आपका गोल होगा तो, और हमेशा बिगर सोचना है ना, बिगर, छोटा गोल नहीं, गोल आपको बिगर, लेकिन उसको बिगर गोल को आपको धीरे धीरे उसको डिवाइड करके, आपको छोटे छोटे गोल अचीव करके, और जो बिगर गोल आपका है वो मिशन, बिगर, बिगर जो मिशन है उसको आपको अचीव करना है। लेकिन आपको ऐसे नहीं कि बस सिर्फ वही सोचा, आपको उसको, आपको फ्रेगमेंट करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, छोटे छोटे गोल में डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि आपको हर स्टेप पर आपको एक बूस्ट मिले, पॉजिटिव बूस्ट मिले कि भाई मैंने ये गोल अचीव कर लिया, नेक्स्ट बिगर, नेक्स्ट बिगर, नेक्स्ट बिगर,
इस तरह से। तो ये है की एलिमेंट हैप्पीनेस के, है ना। नेक्स्ट मोहम्मद अली ने भी कहा है, सर्विस टू अदर इज द रेंट यू पे फॉर योर रूम और हियर ऑन द अर्थ। इस अर्थ पर आप रह रहे हैं, अगर आप सर्विस देते हैं ना सोसाइटी को और इस वर्ल्ड को, वो एक तरह से आप रेंट पे कर रहे हैं इस अर्थ पर रहने का, यानी इस लाइफ को पर्पजफुल बनाने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं, यहाँ पर आप रह रहे हैं, तो इसका आपका रहना पर्पजफुल बनाने के लिए और आपको उसका रेंट पे करना होगा। और रेंट आप किस तरह से पे कर सकते हैं, सर्विस के द्वारा, लोगों को सर्विस देने के तरीके से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम दूसरे जो लास्ट गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसकी मैं बात करूंगा, वो है हाउ कैन आई हेल्प आउट। देखिए जब भी क्या है, ये हमारा जो एक पैटर्न और जो बिलीफ है जो सोसाइटी में चला आ रहा है, वो क्या है कि इधर यू हैव मनी और यू कैन हैव ऑनर, या तो आप पैसा रख सकते हैं या फिर आप इज्जत रख सकते हैं, दोनों चीजें साथ नहीं होगी। यानी कि पैसा जो है वो आपको और आपको बिगाड़ देगा, आपको बैड मैन बना देगा आपको। क्यों नहीं भाई, ऐसा क्यों, पैसा भी हो सकता है और हम अच्छे आदमी भी हो सकते हैं, है? क्यों नहीं हो सकते। आप देखिए बड़े बड़े, आप जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा, रतन टाटा जी है ना, ये अजीज प्रेम जी है, दे आर वेरी सक्सेसफुल, दे आर पावरफुल, दे आर वेरी वेल्दी पर्सन, लेकिन उसके बाद भी दे आर वेरी वेरी डाउन टू अर्थ। वो बहुत अच्छे ह्यूमैनिटेरियन है, बहुत अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट है, बहुत अच्छे डाउन टू अर्थ आदमी है, बहुत उनका कंपैशन का आप देखिए उनका एक्सट्रीम, मतलब कितना वो हेल्पिंग उनका वो है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम दोनों ही, हम ऐसे क्यों सोचते हैं कि हमको एक मिलेगा, नहीं, हमको दोनों ही मिलना चाहिए। वी शुड हैव बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड, वर्ल्ड का जो दोनों ही हमको मिलना चाहिए, है ना। हमें रिकॉग्निशन भी मिलना चाहिए, साथ में हमें पावर भी हो, पावर के साथ कंपैशन भी हो, है ना। हमें पावर भी आए, पावर के साथ कंपैशन भी आए, है ना, कि हम, हमारे पास शक्ति भी हो लेकिन उसके बावजूद ही हम कंपैशन का भाव रखें, एक दया का भाव हमारे पास में हो। तो दोनों ही हो सकता है, आपको फेम रिकॉग्निशन हो सकती है, आप वेल्दी भी हो सकते हैं, साथ में आप फिलैंथ्रोपिस्ट भी हो सकते हैं, है ना। आप उदार हो सकते हैं, आप दूसरों का भला कर सकते हैं, है ना, दूसरों की सेवा कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप ये मत सोचिए कि आप कहते हैं ना कि या तो आप अच्छा खा लो या फिर आपकी बॉडी को फिट कर लो। क्यों भाई, दोनों ही हो सकता है। हम हेल्दी फूड भी खा सकते हैं और अपनी बॉडी को फिट भी कर सकते हैं, दोनों ही हो सकता है, ऐसा नहीं है ये। तो आप या तो आप खेल लो या आप पढ़ लो, क्यों नहीं भाई, दोनों ही हो सकता है, हमें खेलना भी है और हमें पढ़ना भी है। तो हमें ऐसा सोचना होगा कि हमें वर्ल्ड के जो बहुत है ना बेस्ट है वो दोनों ही मिलने हैं, हम दोनों ही मिलने चाहिए। यानी कि कभी भी जब हम सक्सेसफुल होते हैं, एक अपना एक अचीवमेंट हम प्राप्त कर लेते हैं, तो उस टाइम हमें देखना है कि कहीं हमारी वैल्यूज तो पीछे नहीं रह गई, कहीं हम वैल्यूज को तो नहीं छोड़ गए, है ना, कहीं इस पैसे की और इस जो मनी की भागदौड़ में हमने अचीव तो कर लिया, मोनेटरी टर्म्स में हमने अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन हम कहीं वैल्यूज को पीछे तो नहीं छोड़ गए। तो हमें वो भी साथ में रखनी है, कहने का मतलब हमें दोनों ही साथ में रखना है ना, ये हमारा होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी बात, इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण जो मेरे मेंटर मेरे डॉक्टर अजय शेष जी ने दिया था, मैं उसको यहाँ पर एक बार दोबारा उसको बताना चाहता हूँ। शिव भगवान का एक रूप है अर्ध नारीश्वर का रूप, है ना, जिसमें कि आधे पार्वती का रूप है आधा शिव का रूप है। वो क्या है, वो बैलेंस्ड है, लाइफ का बैलेंस दिखाता है कि लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। आपके जो पार्वती है वो शक्ति का प्रतीक है, पावर का प्रतीक है, और शिव जो है वो पूजनीय, वर्शिपेबल है ना, वो वर्शिपेबल है, पूजनीय। तो कहने का मतलब है आप, आपके इंटीग्रिटी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी वैल्यूज भी हो और साथ में पावर भी हो, शक्ति भी हो। तो इस तरह से एक बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस्ड आपका होगा आपकी लाइफ में, और आप जो है इस तरह से आप अपना जो है अपने अपना जो है क्या नाम है लाइफ का वो प्रिंसिपल बनाएंगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेसफुल होने के साथ साथ आपको जो चाहिए, जो फुलफिलमेंट आपको चाहिए लाइफ में, वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये थी बात, और अब मैं चलता हूँ आपको वो जो मैंने अभी आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया था कि मैं इस तरह का ये लाइव जूम पर और ये बिजनेस क्लास रखता हूँ, जहाँ पर कि हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस में कैसे हम बढ़ोतरी कर सके उसकी बात करते हैं। आपको लग रहा होगा कि मेरे प्रोफेशन से बिल्कुल अलग हटके, बिल्कुल मेरे प्रोफेशन से अलग हटके है, लेकिन मैं प्रोफेशन के साथ में भी अपने आप को एक बिजनेसमैन भी मानता हूँ, और मैं हूँ एक बिजनेसमैन, क्योंकि फोटोकार्ड नाम का जो मार्केट प्लेस ऐप जो है जो हमने लॉन्च किया है, वो मुझे एक रियल में एक बिजनेसमैन मेरे को बना रहा है। तो मैं डेफिनेटली आपको वो शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे बिजनेस में काम कर रहा है, तो आप एक बार जरूर इससे जुड़े। इसके लिए अभी नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर को आप देख ले, इस नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं जिस फोटोकार्ड मार्केट प्लेस ऐप की बात करता हूँ, जिस बिजनेस की बात करता हूँ, ये वो बिजनेस है जो आपको आपकी शॉप को ऑनलाइन करेगा।
इसमें आप घर बैठे जो है ऑर्डर ले सकते हैं, घर बैठे आप जो है और डिलीवरी दे सकते हैं आप अपने प्रोडक्ट, जैसे अभी आपकी शॉप बंद है तो आप घर से ऑर्डर ले सकते हैं, घर से आप डिलीवरी दे सकते हैं। और इसमें आपको डायरेक्ट पेमेंट आपको मिलता है, किसी प्रकार का कोई कमीशन जो है फोटो कार्ड का होता नहीं है, बिल्कुल फ्री है, अभी बिल्कुल फ्री है। हाँ, ये जो फीचर है वो बिल्कुल फ्री रहेंगे, मैं आपको बता दूं, अभी ये डर नहीं कि बाद में इसमें चार्ज लगने लग जाएगा, बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दें, कोई भी हिडन चार्जेज नहीं है। जो भी इसमें पेड फीचर्स आएंगे वो पेड फीचर ऑप्शनल रहेंगे, आपको लेने हैं नहीं लेने हैं आपको देखना होगा, ठीक है ना। अभी लेकिन जो फीचर्स आपके हैं वो आपके बिजनेस को 2 से 4 गुना करने में सफिशियंट है, तो आप इसको बिल्कुल अपनाएं। ये पूरे भारतवर्ष में इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, लोग इससे जुड़ रहे हैं और डेफिनेटली इसमें इतने अच्छे फीचर्स आने वाले हैं। अभी बायर्स के लिए जो है इसमें कुछ फीचर्स जो है वो अभी इनेबल करने वाले, अभी इनेबल नहीं हुए हैं बायर्स के लिए, जैसे कि इसमें सर्च वाला ऑप्शन है, जीपीएस लोकेशन वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन इनेबल नहीं हो, ऑप्शन ऑलरेडी उसमें है, फीचर है, उनको इनेबल करना है। हम देख रहे हैं कि सफिशियंट अमाउंट में इसमें प्रोडक्ट एक बार लिस्ट हो जाए, उसके बाद हम फीचर्स को इनेबल करेंगे। तो आप एक बार जरूर इससे जुड़िए और ऐसे ही मेरे से आप जुड़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप जो है मेरे से बिजनेस पेज से जुड़ सकते हैं, मेरे से आप यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हैं, लिंक्डइन से जुड़ सकते हैं, जहां भी आप मेरे से जुड़ना चाहें आप वहां जुड़ सकते हैं। तो यही है, फिर कल मैं फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलता हूँ, जुड़ता हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, अपनी फैमिली को भी सेफ रखें।